हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का जो पेपर है वार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश का। समय आपके 3 घंटा रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं। और जो मेन इंस्ट्रक्शन है आपके सामने हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चनों को करना कंपलसरी है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर भी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पैसेज दे रखा है, इसको केयरफुली पढ़ना है और इसके आंसर देना है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को पैसेज आता होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों के आंसर पैसेज के अंदर ही छुपे होते हैं। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया ढंग से तो इसके आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए पैसेज हम नहीं करवाएंगे, आपको कई वीडियो में करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, क्योंकि पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर होते हैं सब पैसेज के अंदर ही छुपे होते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैसेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसके क्वेश्चन है। हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपसे पूछा है, यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो और के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, आप कौन हो, आप हो मिताली, आपको क्या एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इन योर लोकेलिटी। इन दोनों से एक क्वेश्चन करना है आपको। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और माय फेवरेट स्पोर्ट। दोनों में से किसी एक पर आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड्स। आपको एक पिक्चर दे रखी है, इसको देख के आपको पैराग्राफ लिखना है। स्टॉप चाइल्ड लेबर के ऊपर, इट्स क्रूल एंड इट्स क्राइम। ये आपका पूरा विजुअल है, पिक्चर है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ खाली जगह रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो इसमें क्या आएगा, रिवॉल्व्स, लास्ट में एस लग जाएगा। सेकंड है, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, यानी कि ये पास्ट टेंस है। तो इसमें क्या आएगा, अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। नेक्स्ट है, सी खाली जगह फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या आएगा, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। तो इसमें आएगा हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट है, वी खाली जगह लिव हेयर सिंस 2014। तो हम 2014 से यहाँ रह रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, We had been living here since 2014. नेक्स्ट है, I खाली जगह meet a strange fellow yesterday. तो I met a strange fellow yesterday. नेक्स्ट है, शंकर खाली जगह play when we went to his house. तो शंकर was playing when we went to his house. शंकर खेल रहा था जब हम उसके घर गए थे। नेक्स्ट है, वी खाली जगह गो टू पिकनिक टुमारो। तो वी विल गो टू पिकनिक टुमारो। इसमें क्या आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा, टुमारो से इसकी पहचान हो रही है। नेक्स्ट है, ही यूजुअली खाली जगह गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें आएगा गेट्स। तो ये थे 14 क्वेश्चंस के आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको टाइम से पता लग जाएगी। तो दोनों को ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है दैट इज़ द टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश। तो दैट इज़ द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश, इसमें दोनों कनेक्ट हो जाएंगे हु से और सेकंड सेंटेंस का ही हट जाएगा। आपको दोनों सेंटेंस ज्वाइन करने हैं। सेकंड है हेयर इज ए स्टोरी आई वांट टू टेल इट। तो हेयर इज ए स्टोरी दैट आई वांट टू टेल इट। 16 नंबर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पहला है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें क्या करना है आपको, काइट्स आर बीइंग फ्लाइड। सेकंड है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो इसमें क्या आएगा, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रीराइट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय द चेंजिंग देम इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है राम सेड डिड यू लाइक द मूवी। तो राम आस्क्ड दैट ही लाइक द मूवी। नेक्स्ट है दे सेड हर्रे वी हैव वॉन द मैच। दे एक्लेम विद जॉय दे वॉन द मैच। इस प्रकार आपको सी और डी दोनों करने हैं। इनके फॉर्मूले यानी कि जो इनका पैटर्न है वो आप याद कर लें, एक सारे याद कर लेंगे आप तो आपका इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव कहीं नहीं जाने वाले। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। आपको ब्रैकेट्स के अंदर दे रखा है मस्ट, कैन, कुड और शैल। इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, आपको पैसेज दे रखा है और इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। पैसेज आप कर लीजिएगा, ये भी पैसेज है इसको भी कर लें और ये बुक के क्वेश्चन है, आप इनको देख लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। इसी पेपर से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी, तो डोंट वरी। ये 22 नंबर क्वेश्चन, ये 23, 24 से 27 और ये 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है कार पूलिंग या फिर ड्रंक एंड ड्राइव। तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।